आपने उल्टा पकड़ रखा उल्टा। हाँ वही कर। बताइए। मेरा नाम अंकिता सिंह है। यहाँ जंतर मंतर पे 3 दिन से आप लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं और क्यों बैठे हैं? हम लोग टोटल 1500 लोग हैं यहाँ पे। अभी 500-600 लोग बैठे हुए हैं। हम IIT NIT के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhD डिग्री धारक हैं। हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम Phase 3 के तहत अलग अलग पिछले राज्यों में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पोस्टेड हैं। विगत 3 साल से हम पोस्टेड हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें भारत सरकार ने हमारा चयन किया था और हमें टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें इन राज्यों में भेजा था, पिछले क्षेत्रों में भेजा था। हम 3 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब 31 मार्च को हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये समाप्त होने वाला है और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें इसका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना था जिसके page 95 में ये कहा गया था कि पोस्ट द प्रोजेक्ट हाईली वेल क्वालिफाइड वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन पोस्ट द प्रोजेक्ट। मतलब ये जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो एक सतत प्रक्रिया है, तो एक सस्टेनेबिलिटी प्लान होना चाहिए, तो इन फैकल्टीज का रिटेंशन उसमें मेंशन। और एक MOU हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सारे स्टेट्स के बीच में, जो भी सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच में, तो उनने ये कहा था कि हम PIP को फॉलो करेंगे और फैकल्टीज को रिटेंशन करेंगे। लेकिन 3 साल हो गए हैं और अभी तक रिटेंशन वाला जो प्लान है, सस्टेनेबिलिटी वाला प्लान है, वो हमारे हाथों में ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो आज के आज दे दें और हमें अच्छी होली मना दें। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है आपको हिलावाली करके समय बर्बाद कर रही है? नहीं नहीं, हम कल हमारी संजय धोत्रे सर से भी मीटिंग हुई है और हमारी मीटिंग हो रही है लगातार। किससे किससे आप लोग मिले हैं? हम लोग संजय धोत्रे सर से मिले हैं, निशंक जी अभी समय नहीं दिए कि नहीं? अभी निशंक जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमसे मिले। आज हमारा 3रा दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार और हम जानते हैं कि वो हमसे मिले। अगर इस समय भी वो समय ना दे मिलने के लिए तो आप लोग कब तक बैठे रहोगे, क्या रणनीति क्या होगी? अब हम रिक्वेस्टिंग मोड में बैठे हुए हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे मिले। थैंक यू। गाड़ी में बैठा।